आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम। सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम जिसको हम हिंदी में सौर आसवन बोलते हैं। सौर आसवन जो होता है, सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें सूर्य की ऊर्जा के द्वारा समुद्र के खारे पानी को अवशोषित करके उसका इस्तेमाल करके वो मीठे पानी में कन्वर्ट करता है। उसको बोलते हैं सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम। उसको चेंजेस करते हैं, जैसे खारा पानी होता है उसको चेंज करके मीठे पानी, पीने योग्य पानी बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम। आपको इसमें लिखा हुआ है सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम में, सोलर डेस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एनर्जी ऑफ द सन इज डायरेक्टली यूज टू एवोपोरेट फ्रेश वाटर फ्रॉम सी आर ब्रेकिश वाटर। द प्रोसेस हैज बीन यूज फॉर मेनी ईयर्स यूजली फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। द पैसिव सोलर स्टिल्स यूज सोलर एनर्जी एज द ओनली सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी। सौर आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है, सोलर डिस्टिलेशन का मतलब होता है सौर आसवन। सौर आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके सीधे समुद्र या खारे पानी से सीधे मीठे पानी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बदलते हैं, वाष्पित करते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग कई सालों से किया जा रहा है। आमतौर पर छोटे पैमानों पर इसका उपयोग के लिए हम, अगर हम निष्क्रिय सोलर स्टिल्स लें और ऊर्जा का उपयोग करके तापीय ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में करते हैं इसका, छोटे स्केल के लिए। और जो सोलर स्टील का इस्तेमाल होता है, सोलर डिस्टिलेशन का मेन सिस्टम ये होता है, जो सोलर एनर्जी होता है उसके द्वारा ये डायरेक्ट प्रोड्यूस करके सोलर एनर्जी को, और ये क्या करता है, जो खारा पानी होता है समुद्र का उसको कन्वर्ट करके मीठे पानी में कन्वर्ट करते, परिवर्तित करते हैं और उसको पीने योग्य बनाते हैं। उसको हम सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है। सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम में क्या क्या रहता है? सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम में हमारे पास यहाँ पर कंडेंसेशन सिस्टम होता है, यहाँ पर सोलर है, ये गिलास लगा रहता है, यहाँ पर इम्प्योर वाटर इन होता है, यहाँ पर वाटर प्योर वेपर होता है, यहाँ पर इम्प्योर वाटर होता है, और यहाँ इंसुलेशन होता है, और यहाँ पर वेस्टेड ओवरफ्लो वाटर होता है। अब क्या होता है इसमें, हमारे पास जो समुद्र का वाटर होता है उस पर हम लोग इस टाइप से दो पिलर के द्वारा, एक यहाँ पर और यहाँ पर, इसके द्वारा हम इसको रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पर हम लोग गिलास लगाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें गिलास का इस्तेमाल करते हैं। उस गिलास में एक ऐसा गिलास होता है जो सोलर एनर्जी की रेडिएशन को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सके। तो ये गिलास जो होता है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो हमारे पास समुद्र में जो खारा पानी होता है उसको ये वेपर में कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी के द्वारा। ये यहाँ से आपका वाष्प रेडिएशन आती है, रेडिएशन से हमारे पास सोलर एनर्जी से यहाँ पर थर्मल एनर्जी बनती है, टेम्परेचर बनता है, यहाँ पर टेम्परेचर बनता है। टेम्परेचर बनने पर ये क्या करता है, समुद्र के पानी को वेपर में कन्वर्ट करती है। अब वेपर में कन्वर्ट करने पर क्या करती है, ये जो प्योर वाटर होता है उसको ये इकट्ठा कर देती है, जो कि हमारे पास जो खारा पानी होता है उसको कन्वर्ट करके मीठे पानी में कन्वर्ट कर देता है, और जो वेस्ट वाटर होता है उसको अपना अलग कर देता है उसको। तो इस टाइप से जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम। सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम में हमारे पास ये चीज आती है, जो डायग्राम है सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम का है। इसमें सोलर प्लेट, सोलर होता है, सोलर के बाद हमारे पास सोलर प्लेट लगी रहती है जिसमें गिलास लगाते हैं। गिलास का काम ये होता है कि जो सोलर एनर्जी होता है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, और उसके द्वारा हमारे पास जो सी समुद्र का जो वाटर होता है उस पर यह डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट पड़ने के बाद इसके क्या होता है, वेपर बनता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। वाष्प में कन्वर्ट होने के बाद इसको ये कन्वर्ट करके खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर देता है। और आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें आपके पास क्या क्या चीज लगा रहता है, कंडेंसेशन के बाद इम्प्योर वाटर लगा रहता है और इंसुलेशन लगा रहता है। इंसुलेशन के द्वारा ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करता है। थर्मल एनर्जी के द्वारा ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है, और वेपर के द्वारा ये खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करता है। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम बोलते हैं। यूजेस ऑफ सोलर, इसके एप्लीकेशंस क्या है सोलर डेस्टिलेशन सिस्टम के। फर्स्ट है, सोलर डेस्टिलेशन इज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू एवोपोरेट वाटर एंड कलेक्ट इट्स कंडेंसेट विद इन द सेम क्लोज सिस्टम। सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल जनरली हम सोलर एनर्जी के द्वारा वाटर को एवोपोरेट करते हैं। वाटर को, पानी जो होता है, पानी क्लियर कर क्लीन करते हैं, खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करते हैं क्लोज्ड सिस्टम के द्वारा। दूसरा है वाटर प्यूरिफिकेशन, इट कैन टर्न साल्ट और ब्रैकिश वाटर इंटू फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारे पास
खारा पानी होता है उसको प्योरिफिकेशन करके, प्योरीफाई करके वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, जो पीने योग्य पानी बनाते हैं। इसका एप्लीकेशन मेन ये है। तो हमारे पास सोलर डिस्टिलेशन के सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं। सोलर डिस्टिलेशन इज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू एवोपोरेट वाटर एंड कलेक्ट इट कंडेंसेट इन विथ इन दिस सेम क्लोज सिस्टम। दूसरा है वाटर वेप प्योरिफिकेशन, इट कैन टर्न साल्ट और ब्रेकिश वाटर इंटू फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। इस टाइप से इसका